विनेश फोगाट मामले में हुड्डा को भारी पड़ेगी राजनीति। खेल में राजनीति करना क्या भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ाएगा मुश्किलें? विनेश को राज्यसभा भेजने के बयान पर हो रही है राजनीति। फोगाट परिवार ने लगाए हुड्डा पर राजनीति करने के आरोप। विनेश को राज्यसभा भेजने वालों ने किया था फोगाट बहन से भेदभाव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं खेल और उस खेल में घुसी हुई राजनीति की। वैसे तो खेल को अपनी जगह रहने देना चाहिए और राजनीति को अपना काम अलग से करना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा है खेल हो, धर्म हो या फिर कोई और मुद्दा, राजनीति को जब भी मौका मिलता है वो अपना फायदा उठाने के लिए वो उसमें घुस ही जाती है। और इस बार विनेश फोगाट मामले में राजनीति घुसी हुई है। सभी को दुख है और ये दुख इस कदर है कि एक महिला खिलाड़ी ने मेहनत की, उसी मेहनत के साथ वो ओलंपिक पहुंची, लेकिन एक छोटे से खेल ने पूरी की पूरी उसकी मेहनत को बिगाड़ दिया। यानी कि 100 ग्राम वजन ही क्या बढ़ा था उसको लेकर फाइनल तक पहुंची विनेश फोगाट को ये बता दिया गया कि आप क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि गोल्ड तो छोड़िए, अब आप सिल्वर के भी हकदार नहीं है। जैसे ये खबर पूरे देश भर को पता चली, पूरे देश भर में निराशा थी और हर कोई इसी बात पर चर्चा कर रहा था कि देश की बेटी के साथ गलत हुआ। लेकिन इस गलत हुए के साथ राजनीति ने जैसे ही इसके अंदर अपनी एंट्री की तो आप समझिए हालात अलग ही बन गए। राजनीति ने खेल के मैदान को अपना अखाड़ा बना लिया। बस विपक्ष के पास मौका था और इसी मौके को भुनाते हुए विपक्ष ने एक के बाद एक पक्ष के ऊपर लगातार आरोप और निशाने साधने शुरू कर दिए। कुछ पुराने पोस्ट, कुछ पुराने वीडियो, कुछ पुरानी तस्वीरें लगातार वायरल होने लगी। ये जरूरी भी है, अगर सत्ता पक्ष कहीं बैठकर कुछ मनमानी करता है तो विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाए, उसे बताए कि वो औकात में रहे। अगर वो उससे बाहर आती है तो वो सड़कों पर आएंगे और जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। लेकिन जब सिर्फ सत्ता पक्ष हो और विपक्ष अपना ही फायदा ढूंढने लगे तो फिर आप समझिए कि सब कुछ राम भरोसे है। खैर, अब बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विनेश फोगाट और इस पूरे मामले में घुसी हुई राजनीति पर, क्योंकि जब देश भर में इस पर राजनीति हो रही है तो हरियाणा इससे पीछे क्यों रहेगा? क्योंकि हरियाणा में तो चुनाव है और इसी हरियाणा से विनेश फोगाट आती है तो इसका फायदा तुरंत कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने भी उठाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान लगातार वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि बेटी के साथ गलत हुआ, अगर उनके पास विधानसभा में पूरे नंबर होते तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेज देते। बस इतना ही कहना था, इस बात पर राजनीति तो शुरू हुई हुई, साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लताड़ लगाने के लिए फोगाट परिवार भी सामने आ गया। विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट ने तो सीधे सीधे कह दिया कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा वही है जब गीता और बबीता, जो कि उनकी बेटी है, वो मेडल लेकर आई थी तो उनके साथ भेदभाव किया था। उन्हें तो कोई राज्यसभा नहीं भेजा गया, उन्हें सिर्फ सब इंस्पेक्टर बना दिया गया, जबकि वो डीएसपी के लिए डिजर्व करती थी और अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद उन्हें उनका हक मिला था। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की बात करते हैं जबकि उनके पास विधानसभा में नंबर भी पूरे नहीं है। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं गीता फोगाट ने भी इस पूरे मामले पर बयान देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इस पूरे मामले से दूर रहने की सलाह दी है। लेकिन इस सबके बीच सवाल ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बात कही वो बात क्या सही थी या गलत थी? क्या वो राजनीति कर रहे हैं या फिर एक खिलाड़ी के साथ हुए गलत को लेकर वो आवाज बुलंद कर रहे हैं? इस सब को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ना केवल फोगाट परिवार बल्कि बीजेपी से लेकर दूसरी पार्टी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले में जिस तरह से राजनीति का दखल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उम्मीद करेंगे कि राजनीति सबक लेगी, खेल को खेल रहने देगी। हाँ, अगर कहीं किसी खिलाड़ी के साथ गलत हो रहा है तो उस गलत को लेकर आवाज जरूर बुलंद करेगी, लेकिन अपना फायदा उठाने के चक्कर में खेल को बर्बाद नहीं करेगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।